आप सबों का विदित है, राजस्थान पुलिस द्वारा संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अच्छी संख्या में जो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में बीकानेर पुलिस ने बहुत सारे अपराधियों की गिरफ्तारी की है और जो इनामी अपराधी हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उनके लिए विशेष तौर पर टीम बनाई गई है। एक टीम का गठन किया गया था जिसमें एसएचओ कोतवाली, एसएचओ नया सर और एसएचओ गंगा सर और डीएसटी, ये सारी टीमें थी एक टीम में। ये टीम दीपू दीपेंदर जिसके खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं और हमारा वांछित भी है। नापासर में होटल गनगौर में फायरिंग की थी इसने और 307 का मुकदमा दर्ज है जिसमें कि 7000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इसको पकड़ने गई थी पुलिस और बगड़ से क्षेत्र से उसको पकड़ के ला रही थी और रास्ते में सेरूना थाना के पास में इसने पुलिस की जो अधिकारी हैं उनकी गन छीन करके और कार्रवाई करने की कोशिश करी, जिसमें सेल्फ डिफेंस में एसएचओ कोतवाली पे जो उन्होंने हमला करने की कोशिश करी थी तो सेल्फ डिफेंस में एसएचओ नया सर ने उनपे गोली मारी जो कि पैर में लगी और ये पीबीएम में भर्ती हैं और अभी ये आईसीयू में है परंतु खतरे से बाहर है। इस क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अपराधी है ये नया शहर क्षेत्र का सक्रिय गैंग का मेंबर है, रोहित गुदारा के गैंग के सदस्यों के साथ संपर्क में था और ये हमारे स्कैनर में बहुत समय से चल रहा था, किन किन लोगों से मिल रहा था, जिनसे ये आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रहा था और फ्यूचर में कौन सी घटनाएं करने वाला था। इस पर इनकी सोशल मीडिया अकाउंट और जो इनके साथ के रहने वाले हैं, जो इनको एक्यूज्ड है, जिनका चालान हुआ है, इसमें सब पे हमारी नजर थी और एसपी महोदया के नेतृत्व में इसकी टीम ने इसको पकड़ा। चूंकि इसमें फायर की, इसलिए सेल्फ डिफेंस में पुलिस को फायर करना पड़ा। आगे भी हार्ड कोर अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। मैं आपको बता देना चाहूं विशेष तौर पर बीकानेर पुलिस के लिए कि जिस ढंग से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिस ढंग से आपके यहां ये